हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो क्वांटिटीज को पहले हमें ढूंढना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें दो क्वांटिटीज ढूंढना पड़ता है। तो पहला है नंबर ऑफ काउस। अब कह रहा है कि कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 काउस जो है ग्रेज कर रही है, मतलब चर रही है, घास चर रही है, घास खा रही है, ठीक है, फील्ड में, और वो 28 डेज में कंप्लीट कर देती है, मतलब पूरा फील्ड का जो घास है खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज मिल गया हमें, नंबर ऑफ काउज एंड नंबर ऑफ डेज। अब देखिए दूसरे पार्ट में, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या बोलेगा, इन दोनों में से एक गायब कर देगा। बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, मतलब टाइम को गायब कर दिया है, और कह रहा है कि 14 काउज, यहाँ पर नंबर ऑफ काउज का दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पहले चेक करते हैं हम लोग कि जो दो क्वांटिटीज हैं, नंबर ऑफ काउज एंड नंबर ऑफ डेज, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड हैं या फिर डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें ये नंबर ऑफ काउज की संख्या यदि हम बढ़ाएं, नंबर को बढ़ाएं, तो क्या होगा, मतलब इसको इंक्रीज करने पे इसमें क्या चेंज हो रहा है, ये हम देखते हैं। तो यदि हम नंबर ऑफ काउज को बढ़ाएंगे और फील्ड को सेम रखेंगे तो नंबर ऑफ डेज घटेगा, क्योंकि यदि ज़्यादा नंबर ऑफ काउज रहेंगी तो जल्दी खा लेंगी, खत्म कर देंगी, तो नंबर ऑफ डेज जो है कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहीं से पता चल गया है कि ये जो रिलेशन है इन दोनों क्वांटिटीज में, ये इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि ये दोनों क्वांटिटीज जो है इनवर्स प्रपोर्शन में है। तब हम सॉल्व करेंगे इसको, और पहली बार हम इसमें लेट कर लेंगे, पहली बार मान लेंगे कि जो नहीं दिया है। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितना लगेगा, तो लेट लेट द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज टेकन टू ग्रेज ग्रेज द फील्ड बाई 14 काउज बी एक्स। ओके, तो एक्स हम नंबर ऑफ डेज मान लिए। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल जिसमें दोनों क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करेंगे और उनकी वैल्यूज को लिखेंगे। ओके ओके, तो अब मैंने टेबल यहाँ बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ काउज यहाँ पर लिखेंगे कि कितने हैं। पहले पहले केस में यहाँ पर ऊपर है 6 काउज है पहले पहले, तो यहाँ लिखेंगे 6 काउज, और नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन में वो ग्रेज कर रही है फील्ड को, वो लिखेंगे, तो 28 डेज यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखिए नंबर ऑफ काउज हमने माना है, सॉरी दिया हुआ है 14 काउज, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14 काउज। और कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज, इसमें होगा नंबर ऑफ डेज कितने दिन में चल रही है इतनी, तो नंबर ऑफ डेज जो हमने माना है एक्स यहाँ पर, ठीक है, लिख देंगे एक्स। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ काउज एंड नंबर ऑफ डेज जो हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं, तो हम ले सकते हैं कि वी नो दैट नंबर ऑफ काउज एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन, इज इन दैट इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सो क्या होगा, देखिए जब दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम उन दोनों को, दोनों के जो वैल्यूज होते हैं रिस्पेक्टिव वैल्यूज, उनको मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट पाते हैं, मतलब कि 6 × 28 करेंगे जब, 6 × 28 इसकी वैल्यू वही आएगी जो हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 14 और एक्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो बिल्कुल ही एग्जैक्टली इक्वल होगा इसके। अब यहाँ पर जो है हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और ये मिलेगा 6 × 28 / 14। ओके, 14 × 14, 14 × 28, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 12, तो 12 आ गया आपका, जो कि ये था नंबर ऑफ डेज, तो 12 नंबर ऑफ डेज लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर ले सकते हैं आप कि हेंस 12 डेज आर रिक्वायर्ड टू क्रीज द सेम फील्ड। ओके, तो ये आपका आंसर है। यदि आपको सही लगा, अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, मैं हमेशा आपके लिए हूँ, और डेफिनेटली मेरा भविष्य आप
के कमेंट्स पे निर्भर कर रहा है, जरूर रिकमेंड कीजिए। ओके तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे, ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।